वेल, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोग फिर से खेल रहे हैं कार फोर सेल सिमुलेटर 2023। और लास्ट वाली वीडियो में अपनों ने चैलेंज लिया था, जो कि फर्स्ट वीडियो थी, $50,000 करना है उसके अंदर, और अपनों ने चैलेंज कंप्लीट भी कर लिया था। उसके बाद में ना मैंने, हाँ आपको सरप्राइज देखो ऊपर कोने में, $1 million हो चुके मेरे पास अभी, $10,19,350 हो चुके मेरे पास। सच बताओ तो मेरे पास थोड़े और थे, $30,000-40,000 और थे, लेकिन वो मैंने कहां गवा दिए वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। फिर जो भी आपको पता है, एक कार को खरीदने में फिर बेचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और इनिशियल स्टेज में तो पैसा कमाना ना बहुत ज्यादा मतलब टफ होता है, थोड़ा सा मतलब टाइम लग जाता है काफी ज्यादा। तो फटाफट से स्ट्रेस साफ करते और देख लो एक्सपी, अरे अभी तक हुआ नहीं पूरी तरीके से साफ, ये क्या बात है। ओके, ये थैली पड़ी ना यहाँ पे, अबे यार इसको उठा नहीं पाऊंगा मैं। तो एक्चुअली कल फर्स्ट वीडियो के बाद में मैंने वीडियो क्या किया था, मैंने थोड़ा बहुत गेम खेला था, कार वारे बेची थी, और थोड़ा मैंने सोचा कि थोड़ा ना अपन बूस्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर भी अपन सेम चीजें करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना, क्योंकि सेम चीज अपना देख लिए बार बार, वही रिपीटेड चीजें देखेंगे। मतलब गाड़ी अभी भी अपन बेचेंगे खरीदेंगे, लेकिन अलग तरीके से करेंगे। खैर आप देख सकते हो पंचर वाले लाला काफी ज्यादा अभी अमीर हो चुके हैं थोड़े बहुत, मतलब इतने भी ज्यादा नहीं हुए, ले देखे शोरूम तो अपना छोटा ही है ना। खैर जो भी मैंने काफी सारी कारें बेची थी, और अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो यहाँ से आप देख सकते हो, देखो 47 कारें अभी तक मैंने सोल्ड कर दी है, ठीक है। अब मेरे को समझ में नहीं आया, 52 कारें मैंने खरीदी है, 47 बेची है, 2 कारें अपनी घर में पड़ी हुई, यानी कि 47 से 48 49, तो 50 51 52 3 कारें और कहां गई ये चीज, इसका हिसाब नहीं मिला मेरे को अभी तक। देखो अभी अपने पास में पैसे भी काफी ज्यादा पड़े हुए हैं, यानी कि $1 million पड़े हुए, लेकिन ये पैसे ना ऐसे मत देखो ज्यादा पैसे, नहीं ये पैसे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे यार डर्टी लिखा हुआ आ रहा ना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक मिनट के लिए मेरे को ना मेरी गाड़ी को पीछे करने दो थोड़ा सा, और मेरे को साउंड क्यों नहीं आ रहा है, रुको यार पता नहीं क्या अजीब सा ग्लीच हो गया। फिर से फाइनली साउंड आ गया मेरे को, तो यहाँ पे थी कचरा। हेलो, अबे यार मेरे को ऑफिस अभी, अच्छा ऑफिस क्लोज है अभी, तो रुको यार मैंने सामने गाड़ी लगा दी ना उसके, एक सेकंड गाड़ी को थोड़ा सा आगे करेंगे अपन, थोड़ा साइड में करके इंजन बंद करके यहाँ लगा देंगे और ऑफिस खोल देंगे अपन। ट्रेन ट्रेन राइट ऑफिस, हाँ चलो अभी ऑफिस डर्टी की कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही। देखो काफी सारे पैसे भी अपने अर्न कर लिए, 1 million आज भी करेंगे अपन। और अगर मैं आपको स्किल पॉइंट दिखाऊं, तो कल मैंने काफी ज्यादा स्किल्स भी खरीद ली। देखो ये स्किल्स तो अपने पहले ही खरीद रखी थी स्पंज वाली, अभी मेरे पास एक स्किल पॉइंट भी पड़ा हुआ है, जो कि मैंने 100 XP पॉइंट करके कलेक्ट करी थी इसको, और 250 पॉइंट में मिलेगी इस बार मेरे को स्किल, यू नो मतलब फर्स्ट टाइम में जब अपने स्किल खरीदी थी तब 100 पॉइंट में मिल रही थी, लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे स्किल्स का लेवल बढ़ता जाता ना, वैसे वैसे पॉइंट बढ़ते जाते, तो अब मेरे को 250 पॉइंट पे जाकर स्किल मिलेगी, लेकिन 250 पॉइंट होने वाले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुरुआती दिनों में क्या था कि अपने को ना बार्गेनिंग करना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन अभी अपन बार्गेनिंग करने में एकदम एक्सपर्ट हो चुके, और इसका काफी ज्यादा फायदा भी मिलता है अपने को। मतलब अपन थोड़ी बहुत प्राइस अगर बढ़ा के दे बंदों को, मतलब महंगा बेचे तो वो खरीद लेते हैं, और कोई बंदा कुछ गाड़ी वगैरह बेच रहा होता है तो उसे अपन सस्ते भाव में थोड़ी सस्ती करके चीजें खरीद सकते हैं। आज का जो मेरा मेन टारगेट है ना, वैसे काम तो आज अपने को बहुत सारे करने हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जो मेन टारगेट है वो है ये चीज, ये वाली स्किल्स को मुझको ग्रैब करना है। और ये स्किल कौन सी है, बेस्ट प्राइस। फिलहाल मेरे पास 2 कार भी पड़ी हुई है, तो इस मतलब काफी ज्यादा पैसा अपने पास में, क्या करूंगा मैं अपना टेप खोलूंगा फटाफट से, और इन दोनों गाड़ियों को ना सेल पे लगा देते हैं, क्योंकि यार मॉडिफिकेशन करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि गाड़ी ना बिकनी होती तो वो वैसी बिक जाती है डबल ट्रिपल प्राइस में। अब देखो ये गाड़ी मैंने खरीदी थी $54,000 की, यानी कि मतलब काफी महंगी खरीदी मैंने इसको, तो इस गाड़ी को ना मैं एकदम डबल से ज्यादा प्राइस में बेचने वाला हूँ, तो $1,30,000 में अपन बेचेंगे इसको, और इसको सेल पे लगा देता हूँ मैं। और जो दूसरी गाड़ी है जो मैं $30,000 में खरीद के लाया था, इसको भी मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट $90,000 में बेच देते हैं, मुझे पता है इतने में नहीं बिकेगी, लेकिन अपनों को यार एकदम महंगा बेचने में क्या जाता है ना। देखो पहला कस्टमर भी आ गया, बताओ यार इस बंदे को देखते हैं कैसे क्या दे रहा है। गाड़ी मैंने $30,000 में खरीदी थी, $90,000 की मैंने बेट लगा रखी इस पे, बेचने की कीमत, और बंदा मेरे को 44,000 दे रहा है, और भी कोई आ रहा है क्या। वैसे जो आपका मेन टारगेट अपना वो तो है प्राइस वाली स्किल्स लेनी है अपने को, और ये 50,000 में दे रही है। और प्राइस वाली स्किल लेने के लिए मेरे को कितने स्किल पॉइंट चाहिए, देखो 1 पॉइंट तो मेरे को इसको खरीदने में लगेगा, जो कि मैं चाहूं तो मैं अभी भी खरीद सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं अभी खरीदने का क्या मतलब है, चलो खरीद लेते हैं ना। फिर इसके बाद ये अनलॉक होगा, तो इसको खरीदने के लिए 2 स्किल पॉइंट चाहिए मेरे को। इससे क्या होगा कि व्हीकल अपनी डैमेज नहीं लेगी, मतलब अगर मतलब गाड़ी वगैरह ठोक देंगे ना कभी अपन, तो वो डैमेज नहीं होगी ज्यादा। तीसरा पॉइंट है ये, जो खरीदती है अपने को बेस्ट प्राइस ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी, मतलब अपने को ना वो ना करना पड़ेगा, मतलब तुक्के नहीं लगाने पड़ेंगे, वो खुद ही शो कर देगा अपने को कि क्या बेस्ट प्राइस में अपने को बेचनी चाहिए वगैरह वगैरह। ट्रिंग, पहली स्किल खोल ली अपनों ने, नाइस। तो अब ना मेरे को डिटेल दिख जाएगी कि कौन सी गाड़ी कितनी डैमेज है वगैरह वगैरह, वो इस दिख जाएगी। तो देखो ये लड़की $50,000 में खरीद रही इसको, और ये खरीद रहा है 45,000 में। मैं सोच रहा हूं चलो बेच देते हैं इसको, ठीक है। 90,000 तो वैसे ही मैंने ज्यादा ही लगा रखे, मतलब 3 गुनी प्राइस लगा रखी मैंने, समझ लो। काम करते इसको बार्गेन करते हैं, और इसको बोलता हूं मैं $59,000 तक दे दे अगर ये, ओ बिक गई, $59,000 में बिक गई, नाइस नाइस। और ये अरे
सॉरी सर, सॉरी यार, नाराज हो गया बंदा। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जितने जल्दी जल्दी बढ़ेंगे उतनी जल्दी जल्दी अपने को स्किल मिलेगी। और इस पॉइंट को जल्दी बढ़ाने का सबसे शानदार तरीका है कार खरीदो। एक कार खरीदने के 10 XP मिलती है सीधी, 10 XP खरीदने की। और यहाँ पे रोज झाड़ू पोछा लगाने की 5-5 XP तो मिली जाती है। खैर जो भी, यहाँ पे मेरे पास बिल पड़ा हुआ है यार, बिल देखना तो मेरे को। वैसे मैं बिल भर भर के भी थक गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना महंगा महंगा बिल का हिसाब कहाँ जा रहा है। देखो बिल बताओ ना मैं आपको, तो बिल की प्राइस देखो बस $34,000, क्योंकि मैं कार बेच रहा हूँ ना, तो इस शोरूम के लिए कॉस्ट लग रही है। ओ मार्केट प्लेस ओपन हो गया, तो लेट्स गो। मैं सोच रहा हूँ मार्केट प्लेस ही चलते हैं, क्योंकि देखो सबसे महंगी कार है ना कार मार्केट के अंदर ही मिलती है। सबसे महंगी कार है, मतलब पड़ोसियों के पास से भी कार ले सकते हैं अपन, लेकिन पड़ोसियों के पास से सस्ती कार लेंगे और उनको फिर सस्ते भाव में बेचेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। मार्केट से या फिर कहीं से भी सबसे महंगी गाड़ी उठाओ, मतलब $1,00,000 या फिर $2,00,000 की, उसको डायरेक्ट डबल प्राइस लगा दो, मतलब 4-5 लाख में, और ऐसे निकाल दो उसको। अब ये कार $10,000 में दे रही, लेकिन ऐसे सस्ते कार है। और ये कार की भी कीमत ना $30,000-$35,000 होगी देखना, क्योंकि इतना तो ना $11,000। अबे अच्छा, इससे सिमिलर कार देखी होगी मैंने शायद। ओ भाई सुपर कार, सीरियसली सुपर कार है ब्रो। नहीं एक सेकंड रुको, इस गाड़ी की ODRR ये बहुत में $4,82,000 की गाड़ी भाई ये। एक मिनट रुक यार, एक मिनट, इस गाड़ी को देखो, ये देखते ही मेरी नजर गई इस गाड़ी पे। मैं तो सोच रहा हूँ इसमें मैं ही रख लूंगा, क्योंकि इसे सेम टू सेम गाड़ी GTA के अंदर भी है मेरे पास में, जो कि मेरी फेवरेट गाड़ी। और ये भी अच्छी गाड़ी लग रही है वैसे। ओ ये भी सुपर कार है क्या, एक मिनट इसकी प्राइस देखते हैं। वैसे मेरा पैसा तो अंधा पड़ा हुआ है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो 60,000 की यार। नहीं भाई तो लेट्स गो, मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले ना यही गाड़ी खरीदते यार, है ना। क्या बोलते हैं यार, ये फिर निकल जाएगा यहाँ से, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले गाड़ी खरीद ही लेते हैं। 4,82,000 की, लेकिन मैं बार्गेन करूंगा इससे और मैं इसको ऑफर दूंगा $4,20,000 का ऑफर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। $4,20,000 मुझे लग रहा है मान जाएगा वो बंदा शायद। ओ मान गया वो पहली बार में। अरे यार मेरे को ना और कम ऑफर देना था। खैर जो भी, इस गाड़ी को मैं एंटर करता हूँ। और भाई इंटीरियर तो देखो इस गाड़ी का, क्या ही तगड़ा इंटीरियर है। इस गाड़ी को मैं अभी नहीं बेचूंगा, इसको थोड़ा मैं चलाऊंगा अभी अभी, मतलब थोड़ा अपने लिए रखूंगा इस गाड़ी को। अरे कैसे चल रही है। खैर मतलब अपने पास तो नहीं रखेंगे फिलहाल, अपने को पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है और अपन अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेट्स गो, पहले इसको ना रिपेयर पर डाल देते हैं। क्या है कि गाड़ी ना अच्छी नहीं लगती, खराब गाड़ी है ना, ऐसे रिपेयर की कोई ज्यादा लगने दी। चलो रिपेयर करते हैं इसको। और ये गाड़ी ऊपर जा रही है अपनी टन टन रिपेयर होने के लिए, आराम से करना वे। तो देखो यार, ओ ये किसकी गाड़ी आई पे, ये किसी और कस्टमर की गाड़ी रिपेयर हो रही है यहाँ पे। तो देखो यार ये गाड़ी अपनी रिपेयर हो रही ना, इतने में मैं सोच रहा हूँ कि चलो फिर से मार्केट प्लेस चलते हैं और वहां से काफी सारी कारें खरीदते हैं इस बार। बराबर कार मार्केट चलते हैं, जितनी ज्यादा कारें खरीदेंगे अपन उतने ज्यादा ज्यादा अपने पास XP पॉइंट मिलते जाएंगे अपने, और स्किल्स अपन ना बहुत ही जल्दी ग्रैब कर लेंगे। ये गाड़ी काफी अच्छी दिख रही है, और ये गाड़ी भी काफी अच्छी दिख रही थी, ये महंगी गाड़ी थी। लेट्स गो इसको खरीदते हैं, मेरे पास काफी ज्यादा पैसे पड़े हुए अभी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो 59,000 की गाड़ी मिल रही है अपने को, ठीक है। $48,000 और $220 में ट्राई करता हूँ, अगर दे देगा तो। ओ दे दिया, यस 241 हो गए अपने एक्सी पॉइंट। क्या लेट्स गो, इस गाड़ी को चल के फटाफट घर पे लगा के आ जाता हूँ मैं। और यार ऐसा कोई तरीका नहीं है क्या कि अपन बहुत सारी कारें एक ही बार में अपन घर पे पहुंचा सके, क्योंकि यार ऐसे मैं बार बार एक एक कार को खरीद के ऐसे करवाऊँ तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और कस्टमर रह गया अपने ऑफिस में। ओ भाई ठोक दी, बट कोई बात नहीं, मैं इस गाड़ी को ना 1% भी रिपेयर नहीं करवाने वाला हूँ। हाँ भाई क्या मजा आया तुमको, ये गाड़ी अपना 54,000 में खरीदी थी और 1,23,000 की अपना बेट लगा रखी, 95,000 दे रहा है बंदा। लेकिन भाई 2 मिनट इसको देखने दे मेरे को, ये लड़की कितने पैसे दे रही है। अगर आसपास ही होंगे ना तो फिर अपन थोड़ा और मतलब वो 1,07,000 दे रही है, तो मैं इसको बार्गेन करता हूँ, 1,20 तक ले जाता हूँ मैं इसको। चल 1,23,000 तक मान जाएगा, ठीक है 1,23,000 मान जाएगा। आई थिंक देखा ये काम क्यों कर रहा है पता है, इतना मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो सारी जितनी बार्गेनिंग की स्किल थी ना वो मैंने एकदम फुल कर रखी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी को डायरेक्ट नहीं लगाता सेल पे, पहले अपनी वो जो गाड़ी ना सुपर कार वो रिपेयर हो गई है, तो उसको ना थोड़ा सा अपग्रेड करवा लेते एक बार। मतलब पहले तो मैं चलाऊंगा इस गाड़ी को, डायरेक्ट तो नहीं बेचूंगा मैं। यार ये बुगाती जैसी दिख रही है, बुगाती क्या सॉरी, मतलब बुगाती भी अच्छी गाड़ी, लेकिन आई डोंट लाइक बुगाती। मेरे ना पूरी ओडी जैसा लुक आ रहा है इस गाड़ी का, जो ओडी का जो उसके जैसा। इस गाड़ी के अंदर कलर करवाते अपन तो यार भाई का एकदम फेवरेट कलर जो कि होगा ये वाला कलर, वो भी एकदम लाइट और मेटेलिक फिनिश देते थोड़ी सी। लेट्स गो, क्या शानदार दिख रही है, मतलब मेरे को तो काफी अच्छी लग रही गाड़ी है। तो लेट्स गो इस गाड़ी को लेके चलते हैं अपन मार्केट प्लेस। और इस गाड़ी की ड्रिफ्ट चेक करेगा एक बार। ओ भाई ड्रिफ्ट देखो, यार मैंने बोला था ना किसी भी गेम में मजा कब आता है पता है, जब जब अपन उस गेम में थोड़े से मतलब अच्छे हो जाते ना, मतलब है ना। ओ भाई ये गाड़ी ना
कि बहुत भंगार जैसे दिख रही होगी तुम्हें, पर ये गाड़ी बहुत महंगी होगी। देखना मैं लिख के देता हूँ, ये गाड़ी बहुत महंगी होगी। देखो 89,000 की गाड़ी है, मैं जो खरीद रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये गाड़ी भी ना काफी अच्छी दिख रही है मुझे। पता है अपन अपनी गाड़ी को डायरेक्ट यहाँ से अपने ऑफिस में भिजवा सकते हैं डायरेक्टली। और ये मैंने कहाँ से खरीदा, ये मैंने शायद वेबसाइट से खरीदा था आई थिंक। ये प्लस वन वाला खरीद रखा है मैंने, जिसके अंदर एक टो मिलता है अपने को और दो स्लॉट, इसमें दो स्लॉट मिल जाएंगे। 75 XP मिली मेरे को, सीरियसली 100 XP भाई, ये क्या हुआ? मैंने 3 टो के खरीदे, XP देखना तुम बस मेरे 196। मैं अभी खरीद लूंगा ये स्किल सच में यार। अरे यार अंधेरा हो गया। और ये देखो ये सारी कारें अपनी है। खैर इन कारों को ना अपन डायरेक्ट भिजवा सकते हैं। देखो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा, अरे अरे बैठना नहीं है इस पर, अरे नहीं बैठना है बेटे। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और पार्किंग के स्लॉट वन में भिजवा दूंगा इसको। इस वाली गाड़ी को स्लॉट टू में भिजवा देंगे और इस वाली को स्लॉट थ्री में भिजवा देंगे। स्लॉट थ्री में, ऑलराइट। और ये गाड़ी लेके अपन निकल लेंगे अपने घर को सोने। अरे हॉर्न भी इसमें, ऑलराइट फाइनली अपन घर आ चुके हैं। ओ ये देखो ऐसे लग जाती है। सबसे पहले तो इस गाड़ी को यहाँ पे लगाते हैं, अच्छे से पार्क करते हैं इन गाड़ियों को अंदर, ऑफिस साफ करते हैं, जिससे क्या होगा कि अपने को XP मिलेगी। अंदर कंप्यूटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपने टेबलेट खरीद लिया ना, बैठे बैठे अपन बेच पा रहे हैं मतलब चीजें कहीं पे भी। ऑलराइट लेट्स गो, सारी गाड़ियां लगा दी मैंने और कस्टमर भी आ चुके हैं यहाँ पे। ओ भाई ये लड़की, देखो मैंने बोला ना अभी कुछ कुछ ऐसे गधे आ जाते। अब देखो मैंने 50,000 की बेट मांगी तो 42,000 देने को तैयार हो गई। अब मैं बार्गेन करके अगर इसको 48,000 ले जाऊंगा ना तो हाँ कर लेगी। देखना हन लिख लो तुम मेरे से, ये देखो बिक गई ना भाई, 18,000 की गाड़ी 50,000 में बेच दी तुमने। जी भाई कुछ लोग तो ना एकदम खत्म ही आते हैं सही में। और राइट सर जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी की सारी कारें अपनों ने बेच दी अभी तक। और राइट अपने पास काफी ज्यादा पैसे, और मैं सोच रहा हूँ ये गाड़ी भी बेच दे क्या यार, ये गाड़ी वैसे काफी महंगी गाड़ी है। चलो इसको ना बचा के रखते हैं, जब अपने को जरूरत पड़ेगी ना कि हाँ यार अपने को ये करना चाहिए सब कुछ, तब करेंगे अपन। रोज रोज नहीं खुलता है मार्केट, ये देखो मार्केट रास्ते नहीं है अपनी, तो इसलिए मैं भी चल रहा हूँ नेबर्स के पास में, पड़ोसी के पास में। जितनी गाड़ियां हो पाएगी ना, जितनी भी कारें उतनी कारें खरीद के लाऊंगा मैं इनसे। और राइट तो अपनी गाड़ी को ना किसी अच्छी जगह से अच्छी सी जगह पार्क करते हैं, ठीक है। तो इस घास में पार्क कर रहा हूँ, पर यार देखो तुम बस दो ही दिन हुए अपने को, एक ही दिन आई मीन, मतलब लास्ट वीडियो में अपना टारगेट $50,000 का था जो टच करने में अपने को अपनी जान निकल रही थी। अभी देखो, और सीरियसली बता रहा हूँ मेरे को फर्स्ट डे वन से ज्यादा मजा अभी आ रहा है क्योंकि अभी पैसे बहुत पड़े हुए ना। ऑक्शन होने वाला है 5 बजे और मुझे लग रहा है ऑक्शन में अपने को महंगी गाड़ी मिल सकती है। इस गाड़ी को अभी टो करवा देते हैं यार। अब टो के स्लॉट ना कंप्लीट हो गए तो अब मेरे को घर जाके सबसे पहले तो उन कारों को अपने स्लॉट पे लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि आ ही गए तो अपन ऑफिस को कचरा भी साफ कर लेते हैं। ओके आ जाएगी वे वाली गाड़ी, नाइस। इतनी सी जगह में 3 कारें डाल दी भाई। ऑलराइट चलो 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 ओके। ये तो अल्टो डिब्बा है, ये नहीं खरीदूंगा मैं। ये गाड़ी ना मेरे को काफी महंगी लग रही भाई। ये ये कौन सी गाड़ी है ब्रो? सीरियसली ये गाड़ी मैं पहली बार देख रहा हूँ। मतलब मैंने इतनी कारें बेच बेच के $1.5 million कमा लिए थे अभी तक, और ये गाड़ी मेरे को अभी तक नहीं दिखी थी सच्ची। उंडे फंडा कौन सी गाड़ी है, या भी शायद दिख गई थी पता नहीं, मेरे को ऐसा याद तो आ रहा है। चलो इसको भिजवा देते हैं एंड चलो फाइनली अपन अपनी गाड़ी में बैठते और चलते फटाफट अपने घर को, क्योंकि जितनी भी कारें अपने को, नहीं नहीं ठोकना मत, क्योंकि जितनी भी कारें अपने को खरीदी है ना उन सबको अपने को बेचने के लिए लगाना भी तो है। ओ भाई भाई कट देखा तुमने, क्रैकलिंग देखो इस गाड़ी का, बस क्रैकलिंग देखो, चल किसी गाड़ी देखो बस खाली, और ड्रिफ्ट देखो इस गाड़ी की, टाना टाना। नहीं 3 कारें इधर खड़ी कर रखी मैंने, 3 इधर कर रखी, चौथी कार यहाँ खड़ी होती ठीक है तो 7 हो जाती, 8वीं यहाँ पे होती और 9वीं यहाँ पे होती, उसके बाद भी एक यहाँ पर भी हो ही जाते हैं आई थिंक पीछे की साइड में। और भाई 5 बज गए ऑक्शन, ओ मैं जा रहा हूँ अभी ऑक्शन चलते, ऑक्शन ये इनको इनको बाद में बेचेंगे अपन, पहले ऑक्शन से एक बहुत ही तगड़ी सी गाड़ी खरीद के लाते हैं, क्योंकि क्या है ऑक्शन बहुत जल्दी बंद हो जाता है यार। ला भाई टिकट दे दे फटाफट से, इन अंकल से टिकट लेनी पड़ती है ऑक्शन की हर बार। सीट कहाँ है मेरी, ये कितने में बिक्री गाड़ी, अरे 9,000-7,000 ये नहीं खरीदेंगे अपन, अपन महंगी गाड़ी खरीदेंगे यहाँ से। चलो रुकता हूँ मैं, ये $20,000-26,000 की कार नहीं खरीदेंगे अपन। ओ ये भैया बहुत ही एंशियंट गाड़ी है जो कि 1,53,000 भाई, ये गाड़ी खरीद रहा हूँ मैं ही लगा रहा हूँ और मैं ही खरीदूंगा इसको। कितनी लगा लो भाई, कितनी लगा लो, तुम्हारे भाई के पास अंधा पैसा पड़ा है। अबे 2:30 पे पहुंच गई वो, फाइनली 2,30,000 में गाड़ी अपनी हुई। ऑलराइट मैंने 2 कारें खरीद ली है और 2 कार के साथ में अपने को 2 XP भी मिली और रात भी हो गई यार। चलो इन गाड़ियों को पहले भिजवा देते अपन घर पे, विंटेज कार बोलते शायद इसको, पुरानी गाड़ी है ना, अपन चलते सो जाते घर पे। क्या हुआ मेरी गाड़ी का इंजन क्यों बंद हो गया? कार का स्टेटस फ्यूल है सब कुछ तो सही है बे, फिर गाड़ी क्यों चल रही है? एक मिनट रुको मेरे को पहले ना सो के आने दो यार, चल ही नहीं रही यार गाड़ी तो पता नहीं। अच्छा फ्यूल खत्म हो गया, ओ फ्यूल एंड हो गया, रुको रुको फ्यूल डाल दो इसमें। चलो भाई वो सुपरमार्केट खुला हुआ है, रुको 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 मार्केट से ना गाड़ी खरीद लेते एक दो, फिर खाली बैठे बैठे खाली पैसा कमाएंगे अपन, खाली कमाएंगे बस। अबे इस गाड़ी का कितना अजीब साउंड है। राइट इस गाड़ी को भी पार्क कर दिया मैंने, अबे निकलने की भी जगह नहीं है यार, यहाँ लोग ना फंस जाएंगे सच बता रहा हूँ मैं, इतनी कारें खड़ी कर रखी ना एक तो। और राइट इसको भी लगा दिया आप लोगों ने, इसको लगा देते सुपर कार है। अबे मैं लगा तो ऐसे रहा हूँ, देखो
गाड़ियां तुमने ऐसा लगा दी कि तीन गाड़ियां इधर पड़ी हुई है, तीन यहाँ पे और तीन इधर पड़ी हुई है। अब मुझे एक बार बताओ, बंदे जो देखने आएंगे ना वो देखेंगे कहाँ से? और अभी भी एक गाड़ी और बचती, ये देखो रोड पे खड़ी कर रही है, इसको पीछे ले आते इसको थोड़ी सी। और राइट, सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो पूरी लिस्ट देखो, सबसे पहले इस गाड़ी की प्राइस देखो। ये गाड़ी जो अपनी वाली गाड़ी जो मैं खुद चला रहा हूँ ना, अभी $4,20,000 में खरीदी थी उन्होंने। अभी फिलहाल मैंने जितनी कारें लगाई ना वो देख लो बस, खाली यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और दो कारें है जो ऑफिस के अंदर नहीं है, 9 कारें लगा रखी भाई मैंने शॉप पे। देखो पूरा सिलसिला, गाइस देखो भाई सारी कारें बिक गई और मेरे पास में है $13,00,000 यानी कि $1,003,00,000। अभी ये गाड़ी नहीं बेचनी मेरे को, मैंने क्यों लगा रखी इसको है? अभी चाहूं तो मैं बैठे बैठे भाई मजा आ रहा है अपने को, लेकिन इसको नहीं कर रहे अपन, इसको निकालो पहले। वैसे रुको, स्किल्स खरीदने के लिए मेरे को थोड़े पॉइंट चाहिए और मैं सोच रहा हूँ स्किल अपने को मिल जाएंगे वो पॉइंट। बताऊँ कैसे? मेरे को मेरा शोरूम भी अपग्रेड करवाना है, ठीक है? ये छोटे शोरूम में यार कारें आ नहीं रही है, जब अपने को बहुत सारी कारें एक साथ बेचनी होगी ना तो कारें आ नहीं पा रही है, यहाँ लगा देते। वो भिखारी बैठा हुआ है, इतनी तरक्की हो रही ना, इसको दे देते यार, है ना। हेलो ब्रो, कितने दूर तुझे? चलो बताओ, हायर कर लूँ क्या इसको? अरे क्या करेगा, मतलब $500 में इसको दूंगा तो ये क्या करेगा? होमलेस मैन विल स्टार्ट वर्क टुमारो। अच्छा, होमलेस बंदे को मैंने हायर कर लिया है कुछ काम करने के लिए, तो पता नहीं कुछ तो काम करेगा शायद, आई डोंट नो। खैर लेट्स गो, मैं टैबलेट निकालता हूँ फटाफट, कंप्यूटर पे जाने का काम ही नहीं है। वेब पेज पे जाते हैं, और वेब पेज पे नहीं जाना, अपने को जाना अपग्रेड पे और शोरूम को अपग्रेड करवाना है अपने को। क्या बोलते हो, सीधा बड़ा वाला ले लेते हैं, फुल साइज? अरे वो जब तक मैं ये नहीं लूंगा तब तक वो नहीं ले पाऊंगा यार, तो पहले अपने को यही लेना पड़ेगा। और मेरे को 50 XP पॉइंट मिले और अपना शोरूम हो गया इतना बड़ा भाई, पर मैं सोच रहा हूँ पूरा ले लेते हैं, ठीक है? आई नो पैसे बिगड़ेंगे लेकिन ठीक है, ऐसे बहुत सारे पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो थर्ड ऑफिस दे दो भाई, सीधे 100 पॉइंट और मिल गए। और भाई ये देखो तुम तो, पंक्चर वाले लाला की शॉप कितनी बड़ी हो गई, पैसे अभी $3,80,000 पड़े हुए, लेकिन कोई बात, स्किल्स मिल गई अपने पास में, वॉइस एंडिंग ऑल राइट। तो बेस्ट प्राइस स्किल आ गई अपने पास में यार, मैंने सीधे 7 और 2, 9 लाख रुपए का शोरूम खरीद लिया ना, मेन पैसे वहाँ पे खत्म हो गए अपने। चलो इस गाड़ी को लगाते बेचने के लिए। और बाय द वे, एम्प्लॉय को मैंने काम पे रखा था ना आपने, कल से आने की बोल रहा था वो। और राइट, कस्टमर आ चुकी है और अब देख लेते हैं कि बेस्ट सेलिंग प्राइस कुछ काम का है या फिर कुछ भी काम का नहीं। तो अपने 14,000 में अपने खरीदी और 30,000-34,000 की अपने लगा रहे, 27,000 ये अपने को दे रही है, मैं बार्गेन करके ना इसको 32 पे लाता हूँ। दे दी इसका मतलब, अच्छा बेस्ट सेलिंग प्राइस मतलब ये है, ठीक है बढ़िया चीज है। मतलब बेस्ट सेलिंग का मतलब ये है कि जितने अपन मांगेंगे ना उसके आसपास तक बंदे आ जाएंगे खरीदने बेचने के लिए। चलो अपन शोरूम वोरूम को ना बाद में अपग्रेड करवाएंगे। तो चलो यार, आई होप कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। बाय।